सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते इह हैगी आ मेरी प्यारी जी काफ सोहणी जी वच्छी। इह हैगी केन बुल दी बेटी। और इह जदों पैदा हुई सी ते बहुत ही एक्टिव तंदरुस्त सीगी। ते इहने अपनी जिहड़ी बोली सी उह वी तकरीबन इहने 4 लीटर पीती सीगी। लेकिन तीसरे दिन बाद इहनूं साह लैण विच प्रॉब्लम आई ते नाल दी नाल इहदी जिहड़े साह सी उह बहुत ज़्यादा तेज आउण लग गए, जिवें बड़ा साह चढ़िया होवे इहनूं। ते आवाज़ां वी आ रहियां सीआं नाल साह दे अंदरों गुर गुर दीआं। ते नाल इहनूं जिहड़ा फीवर सीगा उह 104 सी। ते इहनूं जिहड़ी सी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की निमोनीए दी जिहड़ी शिकायत सीगी उह होण लग गई सी बच्ची नूं। बहुत ज़्यादा असीं रूम निघे रखदे हां अपने छोटे बच्चों के, खास करके बैड भी इन्हां दे तूड़ी दे बनाए दे आ। पर फिर भी ये जिहड़ी साडी वच्छी आ शायद रात बाहर आके बैठ गई जां इहनूं सर्दी लग गई। इहदे बारे मैं कुछ कह नहीं सकदी कि इहनूं की होया, क्योंकि एक्टिव पूरी सीगी। राती इहनूं 104 बुखार सीगा ते बहुत ही ज़्यादा साह भी इहदे बहुत तेज सीगे ते बिल्कुल भी चोंग नहीं ला रही सी। अहीं जदों इहनूं दुध पिया रहे सी ते 1 लीटर दुध बहुत मुश्किल नाल इहनूं पियाया। ते तुरंत ही असीं इहदा जिहड़ा ट्रीटमेंट आ कीता। की ट्रीटमेंट कीता इह मैं तुहानूं दस्सदी आं, क्योंकि कई बार कमेंट आ जांदे ने ते फिर उहनां बारे साडे को एकदम दस्सिया नहीं जांदा जां इन्ना ज़्यादा कमेंट विच लिखिया नहीं जांदा। इसलिए मैं इह वीडियो बनाउण दा इही मकसद आ कि कदी भी जे कोई इहो जी प्रॉब्लम होवे ते असीं एकदम जिहड़ी वीडियो वेख सकदे आं। ते इहदा जो ट्रीटमेंट कीता है वह मैं तुहानूं दस दिंदी हाँ। हुण इह बिल्कुल ठीक आ, एक्टिव आ और सवेरे ने अपना 3 लीटर बहुत दौड़ रही है 3 लीटर दुध भी पी लिया सीगा ते हुण भी पूरी चोंग ला रही आ दुध पीण वास्ते, पूरी कस के चोंग ला रही है दुध पीण लई। मतलब बिल्कुल ठीक हो गई आ। ते हुण इहदा एक टैंपरेचर जिहड़ा वा 100 तों उपर आ ते साह भी बिल्कुल ठीक आ ते एक्टिव पूरी आ, खेड रही आ। ते इहनूं असीं इहदे कमरे च दित्ता है वार्ड। इस टाइम इहनूं इहदे पैन च छड्ड दित्ता। इहनूं मैं बाहर कढ़िया सीगा पैन तों इंजैक्शन लाउण वास्ते, क्योंकि असीं इहदे जिहड़े टीके आ मैं रिपीट कीते ने कि दुबारा इहनूं फीवर वगैरह ना होवे। ते जिहड़ी थोड़ी बहुती वी इहनूं साह दी लंग्स दी प्रॉब्लम आई, फेफड़िआं च कोई प्रॉब्लम आई आ, उह ठीक हो जाए। किहड़ा ट्रीटमेंट कीता मैं तुहानूं दस दिंदी आ। एक इंजैक्शन इहनूं मैं आ लाया इंटोसेफ टैजो। इहदे इंट्रामस्कुलर ही लाया सी। नाल 5 ml असीं आ लाया सीगा एनरो फ्लोक्सासिन बायरोसिन दा। ते 5 ml इहनूं लाया सीगा मैं मलोक्सिकैम पैरासिटामोल बुखार वास्ते। ते इह वशी हुण मेरी बिल्कुल ठीक ठाक आ, पूरी हैल्दी आ और एक्टिव ही है और बाकियां दे नाल पूरा जिहड़ा है खेल रही है इस टाइम। ते ए वाले इंजैक्शन जिहड़े आ मैं इहनू दोबारा रिपीट करते ने ताकि इहनू हुण कदी भी इह प्रॉब्लम जिहड़ी उह ना आवे। धन्नवाद जी वीडियो वेखण वास्ते। इहो जिहियां होर फार्म नाल रिलेटड वीडियो वेखण वास्ते, गावां नाल रिलेटड वीडियो वेखण वास्ते मेरे चैनल नू करो सबसक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।